जी क्लास, टुडेज टॉपिक इज अबाउट अहमद बिन मोहम्मद इब्ने कुब इब्न मुस्काविया, इनका नाम है पूरा इब्न मुस्काविया, एंड ही इज़ वन ऑफ द एजुकेशनिस्ट फिलासफर, हिज एजुकेशन इज़ ए फिलासफर एज वेल। सो उनकी क्या थाट्स हैं, क्या फिलासफी, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ही इज़ रिकनाइज एज वेल नोन थीस्ट थीस्टिक थिंकर, यानी जो मज़हब पे बात करते हैं, हिस्टोरियन, मॉरलिस्ट एंड हिस्टोरियंस ऑफ पर्शिया। तो ही वॉज बिलोंगिंग टू पर्शिया, पर्शिया से शाम से ताल्लुक था इनका। और थ्री इंपॉर्टेंट बुक्स उन्होंने लिखी हैं मिसकाविया ने, ऑन एथिक्स, जिसमें तरतीबुल सआत, और उसके बाद तहजीबुल अखलाक, और जीवेदाने खुर्द। तो ये इनकी बुक्स हैं जिन्होंने पब्लिश की हैं। और ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन आर बेस्ड ऑन अरिस्टोटेलियन थ्योरी, बेसिकली एरिस्टोटल का फॉलोअर है, उसी उसी के जो है ना थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है। स्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड फिजिकल एजुकेशन, तो ये स्पेसिफिक किया है इसने इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड फिजिकल एजुकेशन को। और यहाँ पे आई एम एट स्लाइड नंबर 22 नाउ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ही प्रोड्यूस गुड ह्यूमन बींग्स फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। इन उसका ख्याल ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसका पर्पज़ ये होना चाहिए कि हमने जो अच्छे लोग हैं, गुड ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको प्रोड्यूस करना है। अटेनिंग इटर्नल हैप्पीनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, हमने जो है ना वो इटर्नल हैप्पीनेस, यानी ऐसी खुशी, ऐसा सुख, ऐसा इत्मीनान हासिल करना है एजुकेशन के थ्रू जो हमेशा के लिए हो, और सेल्फ रियलाइजेशन हो, यानी हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, दूसरों को दूसरों की मदद के बगैर हम काम करें, अपनी अपने आप को शनाख्त करें, सेल्फ आइडेंटिफाई करें, अपनी कमजोरियों को, अपनी खूबियों को हम एनालाइज करें और अपनी कमजोरियों को ओवरकम करें, ठीक है। और बिलीव दैट एजुकेशन इज लिंक्ड टू स्टेट क्राफ्ट, और ये जो एजुकेशन है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि रियासत का काम है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे। फिजिकल एजुकेशन मस्ट लीड द इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल एजुकेशन, और जो ये जो इब्ने मुस्काविया है इसके ख्याल में जो फिजिकल एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है ताकि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है चाइल्ड की और जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है चाइल्ड की, यानी दोनों कंपोनेंट के लिए फिजिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। गोल्स ऑफ लाइफ वाज टू कंबाइन ह्यूमन विल विद अ डिवाइन विल। तो इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही है कि जो इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है ना, वो ये है कि हम अपनी विल को अल्लाह की विल के साथ मिला लें, यानी अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में शामिल कर लें, अपनी सोच को अल्लाह के इरादों के साथ शामिल कर लें। तो ये सबसे बड़ा यानी मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का। एंड यूनिक फ्रॉम अदर ड्यू टू हिज कंसर्न ऑफ फॉर एथिक्स, तो इसने जो बहुत ज़्यादा फोकस एथिक्स पे किया है, इसलिए हिज वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स रेस्ट ऑफ फिलासफर्स, फर्स्ट एथिकल थिंकर अमंग द मुस्लिम्स। तो इसलिए इनका ये थोड़ा इम्तियाज़ है, आइडेंटिटी है कि इनको एथिकल थिंकर के तौर पे देखा जाता है तमाम मुसलमानों में, मुसलमान मुस्लिम फिलासफर्स में। एंड नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू हिस्ट्री, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड अदर सब्जेक्ट्स, इन्होंने जो बेसिक कंट्रीब्यूशन हैं वो हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में और दूसरे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और अगर हम आगे इसमें देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड 23, मुस्काविया डिवाइडेड फिलोसफी इनटू टू पार्ट्स, थ्योरेटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट। यानी बेसिकली बेटा जो हम ये वर्ड यूज करते हैं ना फिलोसफी, ये बेसिकली डिटरमाइन करता है नॉलेज को इटसेल्फ, ठीक है। और पहले वक्तों में जो नॉलेज था उसको फिलोसफी ही कहा जाता था, जो साइंस थी उसको भी फिलोसफी ही कहा जाता था। तो वो उसके ख्याल में जो नॉलेज था, फिलोसफी थी, उसके दो बड़े हिस्से हैं, एक थ्योरेटिकल कंपोनेंट है और एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मुस्काविया ईच पार्ट कम्प्लीट द अदर्स, और ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है, कंपल्सरी हैं। ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फिलासफी एंड रिलीजन, उसके ख्याल में जो फिलासफी है इट इज़ समवट डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, और रिलीजन और चीज़ है, रिलीजन हमें और तरह से गाइड करता है, फिलासफी हमें और तरह से गाइड करती है। तो ही आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन रीजन एंड फेथ, और उसके ख्याल में जो इंसान का अकीदा होता है, बिलीव होता है, फेथ होता है, इट इज़ समवट डिफरेंट फ्रॉम द रीजनिंग। क्योंकि अगर हम फेथ में रीजनिंग को शामिल करते हैं तो फिर हम अनफेथफुल हो सकते हैं। तो ये उसका यानी लॉजिक था कि हर चीज़ को बेटा हम टेस्ट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है। क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश होती है बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम सोचते हैं कि हर वो नॉलेज जो, हर वो स्पेसिमन, हर फिनोमेना जो हमारे सामने आता है उसको हम टेस्ट करें, लेकिन हर चीज़ जो है बेटा वो टेस्टेबल नहीं है। आप देखें ना, इस वक्त इंसान कायनात को एक्सप्लोर कर रहा है, यूनिवर्स को, और उसमें वो कोशिश कर रहा है मरीख पे पहुंचने की और खुद वहां पहुंचने के, भी वो कुछ अपने मिशन सेटेलाइट के भेज रहा है। तो बाकी जो जो इंसान हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के, वहां तक पहुंचने की रीजन आउट करने की कोशिश कर रहा है, सूरज पे रिसर्च कर रहा है, बाकी कक्षाओं पे
जो अदर यूनिवर्स हैं उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन हर चीज़ में बेटा हम कवि नहीं है, समुद्रों के अंदर इतना कुछ है और ज़मीन के अंदर क्रस्ट के अंदर इतना कुछ है और आसमान के अंदर इतना कुछ है, ज़मीन में मौजूद नबाता पौधे और पता नहीं क्या कुछ है जो भी जहाँ तक इंसान अभी तक नहीं पहुँच सका। तो लेकिन वो अभी ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, यकीन वो जो बंदा कोशिश करता है जद्दोजहद करता है उसमें पहुँच भी जाता है। लेकिन जब हम फेथ की बात करते हैं तो फेथ में आप जब रीज़न लेके आते हैं तो फिर हम थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाते हैं, इन द सेंस के हर जो फेथ है वो आपके रीज़न को पूरी तरह से हो सकता है सेटिस्फाई ना कर सके। ठीक है, ख़ासतौर पे जो बेटा आपके पैरासाइकोलॉजी है या मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उस मामले में हमें बहुत सारी चीज़ों में जो है ना एग्जैक्ट हमें उस तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन या उस तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती जैसे कि लोगों के एक्सपीरियंसिस होते हैं मुख्य लोगों के। तो लेकिन लाजमी नहीं हो सबके एक जैसे एक्सपीरियंसिस हो इंसानी। ये जो मुस्काविया है उसमें वो चाहता है कि जी मुस्काविया डिफाइंड सेवन टाइप्स ऑफ विजडम, कि इंसान सात तरह की विजडम रखता है। पहली जो टाइप ऑफ विजडम है वो है अक्यूटनेस, डेप्थ ऑफ इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है कि आप के पास जो इंटेलिजेंस है वो बहुत एक्यूट है, यानी उसमें कोई गलती की चांस नहीं है, वो एक्यूरेट है, एक्यूटनेस उसके अंदर है, एग्जैक्टनेस है। और दूसरी बेटा उसके बाद टाइप ऑफ इंटेलेक्ट ये है कि क्विकनेस, कि कोई काम कितने जल्दी वो कर लेता है, समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको करके दिखा देता है, और ये उसकी इंटेलिजेंस और क्विकनेस है। फिर वो बात करता है क्लियरनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि जो बात कही जा रही है उसको अंडरस्टैंड करना, उसके अंदर क्लैरिटी होना ये बड़ा ज़रूरी है। चूँकि ये अक्सर ऐसा होता है कि जो बंदा जो पर्सन पढ़ रहा होता है, क्योंकि वो जो पढ़ रहा होता है कंटेंट होता है, हम कंटेंट कहते हैं जब हम जैसे स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, किसी ने तो लिखी है ना, किसी ने तो ये बनाई है ना, तो अब इसके अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल ऑफ क्लैरिटी क्या है, ये मेरी यानी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी जो है दैट इज़ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे ही हर इंसान ये वेरी करता है, जब एक ही तरह का कंटेंट छः लोगों को आप पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपको छः तरह के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मिले, छः तरह के मुख्तलिफ उसकी एक्सप्लेनेशन मिले। तो लाजमी नहीं कि सारे लोग एक तरह से ही अंडरस्टैंड करें और एक तरह से ही चीज़ों को एक्सप्लेन करें, ये लाजमी नहीं होता। और ये लेकिन ये ज़रूरी है कि देर शुड बी सम क्लियरेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेंट प्रेजेंट बिफोर दैम, ये बड़ा ज़रूरी है। तो इट इज़ कम इट इज़ अनदर काइंड ऑफ विजडम। देन ये बात करते हैं फैसिलिटी ऑफ अक्वायरमेंट, तो आप जब नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं उसकी जो उसको फैसिलिटेट करने का जो प्रोसेस है ये भी एक इंटेलिजेंस का हिस्सा है, आपके विजडम का हिस्सा है। देन प्रिसीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जब हम चीज़ों के दरमियान में या कंसेप्ट्स में जो डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे होते हैं, डिफरेंसेस फाइंड कर रहे होते हैं, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन आती है, डिफरेंसेस आते हैं, उसमें हमारी प्रिसीजन एक्यूरेसी कहाँ तक है। और फिर रिटेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें अक्सर हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अभी आप जैसा पहले दिन से जो पढ़ रहे हैं, आज छठा दिन है, तो हो सकता है पहले दिन की बहुत सारी बातें आप भूल गए हों। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आल्सो, कि बेटा उसके लिए भी हम कहते हैं कि एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। अगर आप अपनी रिटेंशन पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बार बार प्रैक्टिस करें, रेपिटिशन करें, एक्सरसाइज करें नॉलेज की, तो देर द पॉसिबिलिटी कि आपका टेंशन लेवल, टेंशन लिमिट जो है, टाइम फ्रेम जो है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। और लास्ट बेटा रिकलेक्शन है, कि जो आप चीज़ें पढ़ चुके होते हैं उसको रिकलेक्ट करना, उसको रिवाइव करना, उसको रिमाइंड करना, उसको रिकॉल करना, ये इट्स अनदर काइंड ऑफ विजडम। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो कई टर्मिनोलॉजीज और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम बीइंग हमें याद नहीं आती। तो जो अच्छे स्कॉलर्स होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है माइंड सेटअप, तो उनके पास ये विजडम होती है कि वो चीज़ों को रिकलेक्ट कर लेते हैं, फौरन अपने माइंड से रिकॉल कर लेते हैं। तो ये जो सेवन टाइप्स ऑफ विजडम्स है उसने एक्सप्लेन किए हैं, और उसके मुताबिक व्हाट आर द मेथड्स फॉर ट्रेनिंग, तो इसमें बेटा प्रेज द बॉडी फॉर गुड थिंग्स, तो ये है कि हम यानी जैसे फिजिकल वो बात करता है फिजिकल ट्रेनिंग की, तो हम बॉडी को यानी ऐसे लोग जिनकी फिजिकल फिटनेस है उनको तारीफ की जाए, इनकरेजमेंट की दी जाए स्टूडेंट्स को, जेनरस कैरेक्टरिस्टिक्स हो, यानी आपके अंदर खुला दिल हो, अपनाइयत हो, एक्सेप्टेंस हो। फिर पनिशमेंट का एलिमेंट जो है वो ऐसा है कि उस पर आप कंट्रोल करें खुद को। उसके बाद बेटा नया हमारे पास स्कॉलर है अल-फ़ारबी, और इट इज़ एट स्लाइड नंबर 26। बट बिफोर स्टार्टिंग माई डिस्कशन ऑन अल-फ़ारबी आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म, ओके, तो अल-फ़ारबी जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलासफर ऑफ द वर्ल्ड है, कंट्रीब्यूटेड टू मैथमेटिक्स, फिलासफी, मेटाफिजिक्स एंड म्यूजिक।
तो उसके ये चार बड़े शोबे जिसमें कंट्रीब्यूट किया है. एंड इन द हिस्ट्री इस्लामिक फिलोसॉफिकल थॉट अल-फ़ारबी वाज द फर्स्ट ट्रू फाउंडर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी विच डिपेंड्स ऑन द डेमोंस्ट्रेशन एंड यूनिवर्सल रीजन. तो बेटा जो एपिस्टेमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज जिसे हम कहते हैं कि नॉलेज कैसे वजूद में आता है और कैसे उसकी एक्सेप्टेंस होती है, कैसे थ्योरी फॉर्मुलेट करती है, कैसे इस चीज़ की जो स्टडीज बेटा एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं. तो अल-फ़ारबी ने एपिस्टेमोलॉजी के पॉइंट से ज़्यादा काम किया, उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया ठीक है, और यूनिवर्सल रीजन को साथ में वो लेके आया, जो कि यानी इसका मकसद ये है कि जो भी आप इस यानी एपिस्टेमोलॉजी में जो भी आप नॉलेज वर्क कर रहे हैं, दे शुड बी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल रीजन. ही एस्टैब्लिश लॉजिक विद इन इस्लामिक कल्चर. और इसने फिर ये है कि इस्लामिक कल्चर में लॉजिक को जो है ना वो एस्टैब्लिश किया, बिल्ड किया, कि भाई लॉजिक भी जो है ना वो ज़रूरी है ठीक है. अकॉर्डिंग टू अल-फ़ारबी slide number 27, first aim of knowledge was knowledge of God and his attributes. कि सबसे पहले जो बच्चा है, child है, उसको हम अल्लाह ताला के जो characteristics हैं और attributes हैं और अल्लाह ताला की जो है ना वो शनाख्त करवाई जाए being a Muslim. And knowledge which has deep effect on the moral conduct of human beings. और ऐसा जो knowledge है जिससे बच्चों की moral development हो सके, वो knowledge हम बच्चों को पेश करें उनकी training के लिए, moral development के लिए. He helps human beings in finding the way to the ultimate aim of their existence. Knowledge जो है ऐसा हो जिससे हमें इन human beings को, इन इंसानों को, हम सबको आसानी हो सके in finding the way to ultimate aim of their existence, कि हम क्यों दुनिया पे आए हैं. जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में लास्ट में मैंने बात की थी, अल्लाह ताला कुरान मजीद कहता है कि मैंने इंसानों को, जिन्नों को मांस वाइज के पैदा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करें. दुनिया में बेटे इंसान का दुनिया में आने का सबसे बड़ा जो मकसद है वो ओबीडियंस है, वो सबमिशन है बिफोर अल्लाह विल, कि हम अपने आप को टोटल सबमिशन जो है ना, ये नहीं सिर्फ पार्शियल सबमिशन, बल्कि एक मुसलमान वो है जो टोटल सबमिशन की तरफ आता है. ये मेरी बात याद रखिएगा, मुसलमान वो है जो टोटल सबमिशन की तरफ आता है. पार्शियल जो सबमिशन है ये आपके लिए काफ़ी नहीं है, मेरे लिए, मेरी निजात के लिए काफ़ी नहीं है. अल्लाह हमसे टोटल सबमिशन चाहता है, ये नहीं कि हम जो भी बोलें, कुफर भी तोलें, बुराइयाँ भी करें और अल्लाह भी करें, तस्वीर फेरें. तो अल्लाह को ऐसे लोग नहीं चाहिए. अल्लाह कहते हैं यानी मेरे मेरे मेरी तरफ आ जाओ या फिर शैतान की तरफ. दो ही तो एक्चुअल चीज़ें हैं दुनिया पे, एक शैतानी ताकतें हैं, शैतान है, इवल है, इवलनेस है, और दूसरी तरफ गुडनेस है, अल्लाह ताला की ज़ात है ठीक है. तो हम दोनों में से एक रस्ते पर, अल्लाह कुरान में कहता है कि इन दोनों में से एक रास्ता राइटियस का है, एक रॉन्ग है. तो चॉइस आपके पास है, कौन सा आपने जो है ना वो चूज़ करना है. तो अल्लाह तो चाहता है कि सब लोग जन्नत में जाए, अल्लाह तो चाहता है सब लोग पास हो इन दुनिया के इम्तहान से. तो अल्लाह तो हम सब का हमदर्द है, हम सब के, हम सब पे मेहरबान है, वो रहीम है, करीम है ठीक है. लेकिन हम उसे मजबूर करते हैं कि भाई वो जो है ना हमें, हम ऐसे हफ्ते करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत से सजाओं का सामना करना पड़ सकता है जहन्नम पे. तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और हम सब के लिए आसानियाँ करे और हमारे ईमान को अल्लाह ताला महफूज रखे और ईमान पर हमारा खात्मा हो. तो अटेनमेंट ऑफ विजडम, वो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बच्चे जो है ना वो अटेनमेंट करें, विजडम अटेन करें, हासिल करें. दैन देर शुड बी यूनिटी ऑफ सोसाइटी. अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, कि एजुकेशन इज अ टूल टू यूनिफाई द सोसाइटी, कि आपका जो सोसाइटी है इसको बेटा यूनाइट करें. हम आप देखें ना हमारे जो सोसाइटी है उसमें कितनी ज़्यादा सेग्रीगेशन है, कितनी ज़्यादा डिवीजन है, तफरीक है. हम लोग बेटा मुख्तलिफ ज़ातों पातों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ तबकात में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे हम तकसीम से तकसीम हुए हुए हैं. जबकि अच्छी सोसाइटी बेटा वो होती है जिसके अंदर यूनिटी होती है. इसलिए इस्लाम जो है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है. इस्लाम के अंदर आपकी मसावात है, इक्वालिटी है. तो इस्लाम में कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है. इस्लाम के अंदर सिर्फ मसावात है, इक्वालिटी है, सबकी इक्वल राइट्स हैं. तो इस्लाम यानी इस चीज़ का, इस चीज़ को प्रोपोगेट करता है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जिसके अंदर यूनिटी हो, वो सब मिलके अपनी ताकत से अपने मसाइल का हल कर सके. तो इस्लाम तो इस बात में बहुत क्लियर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्लियर नहीं है और हम लोग ट्रू फॉलोवर्स नहीं हैं इस्लाम के, अगर हम इस्लाम की बातों को फॉलो नहीं करते. आगे जाके मैं इसको जो क्रिटिकल पैडागोजी है उसमें मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा. दैन देयर इज़ द यूनिटी ऑफ विजडम थाट एंड रिलीजन. ये भी ज़रूरी है कि हम एक जैसी सोच रखें, कि हमने आगे प्रोग्रेसिव सोचना है, आगे बढ़ना है, अपने जो भी हमारे मसाइल उनको हल करना है और अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, आसानियाँ बांटने वाला बनाना बनना है और दूसरों को आसानियाँ बांटने वाला बनाना है ठीक है.
प्रोड्यूस गुड लीडर्स, और ये तभी पॉसिबल होगा जब अच्छे लीडर सामने आएंगे। अच्छे लीडर्स से मुराद वो नहीं है जो हमारे इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, या कोई और प्योर पार्टी के हैं, या कोई और हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। ये वो लीडर इस्लाम नहीं पैदा करना चाहता। इस्लाम चाहता है कि हर माशरे में, हर सोसाइटी में अच्छे लोग पैदा हों जो सोसाइटी को लीड करें, उस सोसाइटी में जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है, उनकी मदद करें, जो सोसाइटी के जेन्युइन इश्यूज हैं उनको वो रिजॉल्व करें, और सोसाइटी के अंदर बैलेंस लेके आए, एक्सेप्टेंस लेके आए, और जो सोसाइटी के जो भी मैटर्स हैं उनको अच्छे तरीके से फिनिश करवाएं या करें, उनकी हेल्प करें। तो ये वो लीडर्स हैं जो हर माशरे, हर गली, हर मोहल्ले में जिनकी ज़रूरत है। ये वो लीडर्स नहीं है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ। तो ऐसे तभी पैदा होंगे जब हम अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छी कोचिंग करेंगे, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो अपने जो सोशल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सके विद द लीडरशिप क्वालिटीज। देन वी सी प्रोफिशिएंसी इन द आर्ट्स। तो अपने बच्चों को हम आर्ट्स के काम में प्रोफिशिएंट बनाएं, उनके अंदर स्किल्स दें, आर्टिस्टिक बनाएं उनको, ठीक है। तो ये एम ऑफ एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू अल-फ़ारबी। और एजुकेशन थॉट्स अगर देखें तो जो रिलीजन है एंड फिलॉसफी वर सिंपली टू एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल ट्रुथ। यानी अल-फ़ारबी ये कहता है कि जो मजहब है या फिलॉसफी है दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों का एक ही मकसद है, और ये एक ही सच्चाई जो है ना उसको उसकी तरफ हमें लेके जाते हैं। और फिलॉसफी एक्सप्लेन्स रिलीजन, फिलॉसफी जो है वो रिलीजन को एक्सप्लेन करती है, कि जैसे रिलीजन जो है फिलॉसफी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो फिलॉसफी उन क्वेश्चंस को उभारती है और फिर उनका रीजनेबल आंसर हमें प्रोवाइड करती है। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल फिनोमेना। तो देखें बेटा, एजुकेशन से ही पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो गई है, टोटल चेंज हो गई है, और एक ऐसा फिनोमेना है जो कि अगर हम देखें ऐसे सोसाइटीज़ जहाँ पर गुरबत ज़्यादा है वहाँ पर एजुकेशन कम होगी, ठीक है, ये नेचुरली है। जहाँ पर लोग स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, वहाँ पर इमारत भी होगी, वहाँ पर खुशहाली भी होगी, वहाँ पे लोगों को ब्रेड का और यानी जो छोटे छोटे मसाइल हैं लोगों को वो कम हो जाएंगे या नहीं होंगे। देन वी सी एजुकेशन नीड्स टू प्रिपेयर द चाइल्ड टू बिकम मेंबर ऑफ सोसाइटी, इफेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी अल-फ़ारबी ये कहता है कि भाई हम बच्चों को इस तरह एजुकेट करें कि सोसाइटी में जाके इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर सकें, सोशल, मॉरल और जो उनका पोलिटिकल या इकोनॉमिकल जो भी रोल्स हैं उसको अच्छे तरीके से प्ले करें। परफेक्ट ह्यूमन बींग्स इज वन ऑफ One who has acquired theoretical virtue, तो अच्छा इंसान बेटा वो है जो एक्चुअली नेकी का फॉलोअर है, जो नेकी जिसके अंदर theoretical virtue है, उसके नज़रियात साफ हैं, उसका दिल साफ है, वो content, वो मुतमिन है, उसके अंदर लालच नहीं है, उसके अंदर बुराई नहीं है, तो ऐसा इंसान कामयाब भी है और परफेक्ट भी है। कम्प्लीट ही और हर इंटेलेक्चुअल नॉलेज, और फिर हमारे जो बच्चे हैं उनका जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है वो डिवेल्प हो, और अटेनमेंट ऑफ प्रैक्टिकल मॉरल वैल्यूज़, और फिर हम सिर्फ वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को सिर्फ सीखें ना, बल्कि उनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी करें और हमें उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी करें उसकी। बिकमिंग परफेक्ट इन हिज हर मॉरल बिहेवियर, तो हमारे अंदर हमारी जो बिहेवियर है, मॉरल डेवलपमेंट, वो बैलेंस होना चाहिए। असल में बेटा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि हमारे अंदर जो है ना एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है, हमारे अंदर रवादारी नहीं है, कोहेसिवनेस नहीं है। ये बहुत सारी यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं इस्लाम की जो इस्लाम ने हमें दी हैं, बट बदकिस्मती से हमारा मॉरल बिहेवियर की इस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकें और एक दूसरे के लिए अच्छा सोच सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बन सकें। तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं हमारी सोसाइटी में। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो इन चीज़ों में बहुत पीछे रह गया है। ये सारी वैल्यूज़, ये सारा मॉरल बिहेवियर ड्रेल होकर रह गया है। अब तो ना कोई छोटे की तमीज़ है, ना बड़े की तमीज़ है, बहुत मामला जो है ना वो ख़राब नज़र आ रहे हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं तो हमें बड़ी मुश्किल होती हैं कि इनकी जो मॉरल ग्रूमिंग है वो ज़ीरो के इक्वल आलमोस्ट है। तो हमें बड़ी परेशानी बनी हुई यूनिवर्सिटी के अंदर भी कि भाई ये जो हमारे पास BS में, BA ऑनर्स में बच्चे आते हैं तो ये हरकतें कैसे कर रहे होते हैं, और इनके बात कैसे करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, और वे ऑफ टॉक कैसा है, वे ऑफ थिंकिंग कैसा है। तो हम खुद बड़े परेशान होते हैं उनको देख के कि यार इनको कैसे हम इंसान बनाएं दोबारा। तो ये इतने बिगड़ के ये स्कूलों, कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज हमारे पास आते हैं। एनी हाउ ये तो चैलेंजेस हैं जिसका हमें फेस करना पड़ता है, और डेफिनेटली हम फेस करेंगे भी। तो अभी मज़ीद आगे जाने से पहले मैं फिर चाहता हूँ कि आपसे कन्फर्म कर लूँ, अल-फ़ारबी का ये ख्याल है कि भाई हम लर्निंग को कम्बाइन करें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के साथ,
It is a duty of the state to sign a budget for education, taking a portion from the donations or taxes or zakat and land taxes. तो इसके लिए स्टेट जो है रियासत है वो उसको मैनेज करें, इसके लिए चाहे वो ज़कात ले चाहे वो टैक्स ले, जिस फॉर्म में भी वो करे, और वो फ्री एजुकेशन जो है ना अपने सब्जेक्ट को राया को प्रोवाइड करें. यूज़ वेरियस टेक्निकल टर्म्स टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन लाइक करेक्शन, असेसमेंट, डिसिप्लिन, गाइडेंस, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज एंड लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, अपब्रिंगिंग और एंड एजुकेशन. ठीक है, तो वो ये बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो अल-फ़राबी ने अपने लिटरेचर में लिखी हैं, जिसमें ये सारी जो है ना वो शामिल हैं. और आगे बेटा जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. अल-फ़राबी गेव फंडामेंटल प्लेस टू सेंसरी परसेप्शन. ये जो बेटा सेंसरी परसेप्शन है ना, ये सेंस के थ्रू, फाइव सेंसेस से बेटा हम नॉलेज लेते हैं. और शायद मैंने आपसे पहले बताया हो कि जो सेंस ऑफ साइट है इससे सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है, और सेंस ऑफ हियरिंग से कम लर्निंग होती है उससे, और सेंस ऑफ टच से सबसे ज़्यादा कम लर्निंग होती है. ऐसे सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट से भी काफ़ी लर्निंग होती है, लेकिन वो सेंस ऑफ हियरिंग और विजन से कम है. तो ये फाइव सेंसेस हमारी जिससे इंसान लर्न कर रहा होता है. और बाज़ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि 90% जो लर्निंग है ना वो सेंस ऑफ साइट से होती हैं, और बाज़ बुक्स में लिखा हुआ 70% होती हैं, और बाज़ बुक्स में लिखा हुआ है 7% आपकी सेंस ऑफ हियरिंग से है, और बाज़ बुक्स में 20% लिखा हुआ है. तो 10% बाकी रेस्ट ऑफ जो साइंस के लिए है. तो यानी इस तरह से मुख्तलिफ बुक्स में जो हमारे पास बुक्स हैं उसमें इस तरह से इसकी डिवीजन लिखी हुई है. तो एनी हाउ सेंस ऑफ साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमारे पास आंखें ना हो तो आप सोच सकते हैं जिंदगी कैसी होगी. इंस्ट्रक्शनल मेथड मस्ट बी अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ लर्नर्स. जो भी इंस्ट्रक्शन मैथड्स हों अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ लर्नर्स हों. टीचिंग थियोरटिकल इंटेलेक्चुअल वर्चूज इज कैरिड आउट बाय द डेमोंस्ट्रेशन. तो आपकी जो टीचिंग थियोरटिकल इंटेलेक्चुअल वर्चूज हैं, यानी वो तमाम सबाक या वो तमाम लेसन जिनका ताल्लुक इंसान के मॉरल डेवलपमेंट से है, उनको आप डिमॉन्स्ट्रेट करें. ठीक है, एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू ऑल, जितने भी लोगों को सबको एजुकेट किया जाए. टीचर शुड नाइदर टू बी टू हार्श नॉट एक्सट्रीमली टॉलरेंट. तो टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श ना हो बच्चों के साथ, और एक्सट्रीमली टॉलरेंट भी ना हो कि भाई जहाँ बच्चे गलती करते हैं उन्हें डांटे भी, उनसे पूछे भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुत बन के खड़ा रहे. नेक्स्ट वी सी अल-फ़राबी डिस्क्राइब टू मेथड्स, मेथड ऑफ आर्गुमेंट एंड मेथड ऑफ डिस्कोर्स. कि ये वो दो मेथड्स हैं जहाँ जिसके थ्रू जो है ना हम अपने बच्चों तक अपना मैसेज दे सकते हैं, जिसमें हम आर्गुमेंट बिल्ड करें, बच्चों के साथ डिस्कशन करें उस आर्गुमेंट में, फेवर में, डिसफेवर में, और फिर डिस्कोर्स करें. ये भी एक तरह का डिस्कशन होता है डिस्कोर्स, लेकिन ये इसमें ऐसा है जैसे मैं अभी अपना डिस्कोर्स कर रहा हूँ, तो इसमें एक पर्सन को पहले बोलने का मौका दिया जाता है डिस्कोर्स में, फिर दूसरे लोग उस पर कमेंट करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, इसको बेटर डिस्कोर्स कहते हैं. देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेज ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन स्पीच एंड वेज ऑफ लर्निंग विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग अदर पीपल्स एक्शन. तो हम लेक्चरिंग करते हैं उससे बच्चे लर्न कर रहे हैं, जिसमें भी लेक्चरिंग कर रहा हूँ आप लोग लर्न कर रहे हैं. दूसरा हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरों की, जो दूसरे लोगों की हरकतें होती हैं, दूसरे लोग काम होते हैं, उसको ऑब्जर्व करके हम लर्न करते हैं उनके एक्शंस को. मेकिंग समथिंग अंडरस्टूड बाय एस्टैब्लिशिंग हिज मीनिंग इन द माइंड. और फिर हम अपने माइंड से रिलेट करें कोई चीज़ सामने कैसे हो रही है, उसको हम माइंड से रिलेट करें. रेपिटेटिव मेथड और ड्रिल मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग एथिक्स एंड प्रैक्टिकल आर्ट्स. तो ये ज़रूरी है कि हम ड्रिल मेथड क्लासरूम के अंदर यूज़ करें, जिसमें बच्चे बार बार एक्टिविटीज परफॉर्म करें और उसे लर्न करें. ठीक है, और उसको फिर एथिक्स टीचिंग में और प्रैक्टिकल आर्ट्स टीचिंग में यूज़ करें. अनदर मेथड लर्निंग बाय हार्ट. ये भी है कि आप लर्निंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन है, राइट द मीनिंग ऑफ दीज एक्सप्रेशन इन द लिसनर सोल्स. तो आप गौर करें कि मैं क्या लर्न किया है, सोचें उसको, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, लर्न बाय हार्ट करें. ठीक है, सोचें कि मैंने क्या लर्न किया है. अकॉर्डिंग टू अल-फ़राबी द स्टूडेंट शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज, एबल टू ग्रास्प कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट हैज ग्रास्प्ड और अंडरस्टूड एंड एबल टू डिस्क्राइब व्हाट ही हैज ग्रास्प्ड एंड एक्सेप्टेड. तो ये बड़ा जरूरी है कि स्टूडेंट जो इन तीन काम करें, वो कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करें, अंडरस्टैंड करें, और फिर उसके बाद एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट ही हैज ग्रास्प्ड. फिर जो उसने ग्रास्प किया है उसको भी वो अंडरस्टैंड करें, और एबल टू डिस्क्राइब व्हाट हैज ग्रास्प्ड, और फिर उसको यानी उसको एबल हो कि वो उस चीज़ को हजम भी कर सके, यानी बाकायदा उसको माइंड का हिस्सा या अपनी मेमोरी का हिस्सा बना सके, और उसको एक्सेप्ट भी करे कि ये वाकई बात ठीक है. फ्राबी डिवाइड्स मैथ इनटू 7 पार्ट्स, नंबर, ज्योमेट्री, साइंस, पर्सपेक्टिव, साइंसिफिक एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, डायनेमिक्स एंड साइंस ऑफ मैथ मशीन्स. तो
तो ये सेवन एस्पेक्ट्स है मैथ को, इनमें वो डिवाइड करता है उसके लेवल पे। आप बता ना कि ये नॉलेज जो है ये बेटा एक दिन में बला बुरा नहीं है, इसको सदियाँ लगी हैं। और उसके बाद हमारे लास्ट हैं फिलासफर लामा मोहम्मद अली इकबाल, मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। हिज टाइम फ्रेम वाज 1877 टू 1938 एंड इकबाल वाज अ पोइट फिलासफर एंड स्कॉलर। ही वाज अ स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान, चूँकि उन्होंने हमें पाकिस्तान का नज़रिया दिया। इकबाल एम्फसाइज मच ऑन द एजुकेशन एंड एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इज द ओनली वे थ्रू विच नेशंस कैन बी सक्सेसफुली कंसीडर्स एंड इंडिविजुअली एंड खुद ही आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो कोई भी इंसान जो है वो अपनी खुद ही से, अपनी सेल्फ रिकॉग्निशन से अपने बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, क्योंकि इकबाल जो है वो खुद ही का दर्स देता है कि हमें सेल्फ रिलायंस होना है, हमने खुद पे डिपेंड करना है, हमने दूसरों से मदद नहीं मांगनी इस तरह से हर वक्त, और हमें दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना, दूसरों के आगे झुकना नहीं है। इकबाल ये कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर मुकाम से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इकबाल चाहता है कि इंसान अपनी खुद ही को, अपने आप को इस लेवल पर लेके आए कि अल्लाह जो है उसकी बात माने, ठीक है, जो वो चाहता है अल्लाह उसको वो दे। तो कुरान में वैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान तेरे लिए वही है जिसके लिए तू कोशिश करता है, ठीक है। और इसलिए इंसान अच्छी अगर चीज़ों की तकवात करे, अच्छी कोशिशें करे, तो डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो वो अच्छी बातें चाहता है अल्लाह वो ज़रूर देता है, ज़रूर देता है, ज़रूर देता है, ठीक है। तो ये खुद ही का जो कंसेप्ट है बेसिकली इकबाल का ये है। और इसके बाद बेटा हम देखें, एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू स्ट्रेंथन द इंडिविजुअलिटी ऑफ पर्संस, कि हम लोगों की जो इंडिविजुअलिटी है, इंफरादियत है, उसको मजबूत करें, सो दैट दे रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी, ताकि उनका जो भी अंदर जो कुवतें अल्लाह ताला ने दी हैं उन चीज़ों को बेटा वो बच्चे जो हैं वो रियलाइज करें। फ्रीडम इज आल्सो एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी, तो जब हम काम कर रहे हैं तो हमें फ्रीडम हो। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज और एक्सपीरियंसिस बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर एनवायरनमेंट। इकबाल भी इसी चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि हम बच्चों को एक्सपीरियंस करवाएं और ऑन हैंड ट्रेनिंग दें बच्चों को बेसिकली, और एम्फसाइज ऑन वेकनिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो इंटेलिजेंस है उसको कल्टिवेट किया जाए, उसको वेकन किया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इंटेलिजेंस के बगैर इंसान जो है ना अपने एनवायरनमेंट में फिट नहीं आ सकता। इंटेलिजेंस इसी चीज़ का नाम है कि हम अपने माहौल में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, इस क्वालिटी को बेटा इंटेलिजेंस कहते हैं। स्कूल मस्ट प्रोवाइड एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स, तो स्कूल में ऐसा निसाब हो जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करें। और इकबाल पुट एम्फसिस ऑन एक्सपेरिमेंटल मेथड, नॉलेज ऑफ ट्रूथ इज ऑब्टेन इनिशियली through the senses and then through direct realization. It is necessary for every education system to determine its philosophy. Three qualities which should be cultivated by education are courage, tolerance and fikr. Fikr jo hai, ye teen badi qualities hain jo Iqbal kehta hai ki education system ko bachon ke andar develop karni chahiye, jispe bache courageous hon, unke andar tolerance ho, dusron ko accept kare, bardasht kare, और फ़क्र हो, वो यानी सोचे, थाटफुल हों, दे स्टूडेंट शुड बी थाटफुल, तो वो फ़क्र करें, सोचें कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है, उस चीज़ पर गौर करें, गौर खोज करें। और इकबाल हैज़ फर्दर डिवेल्प्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी टू बी कैप्ट इन व्यू वाइल इम्पार्टिंग एजुकेशन। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें इकबाल ने बात की है, एम्फसाइज किया है। अ चाइल्ड इज कीन फॉर एक्टिविटी, चिल्ड्रन कैन नॉट अटेंड टू अ थिंग फॉर लॉन्ग, यानी ये वो प्रिंसिपल्स को हम ध्यान में रख के बच्चों को एक्टिविटीज करवाएं या टीचिंग करें। चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन ऑब्जर्विंग टचिंग थिंग्स, चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड टू ब्राइट कलर्स, चिल्ड्रन इमिटेट एल्डर्स, यानी बच्चों को, बच्चे दूसरों को, बड़ों को कॉपी करते हैं। द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड थिंकिंग, उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन को आप यूज़ करें। हैबिट ऑफ बींग सिंपैथेटिक, और उनके अंदर हैबिट डेवलप करें कि वो सिंपैथेटिक हों दूसरों के लिए, दूसरों की मुश्किलात को समझें। चिल्ड्रन हैव वंडरफुल मेमोरी, उनकी मेमोरी बड़ी यादाश्त बहुत ज़्यादा होती हैं। और लो जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर, ये सबसे बड़ा मसला है कि बच्चों के अंदर, चूँकि अभी वो छोटे होते हैं
तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कमज़ोर होती है, वो चीज़ों में ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, फ़र्क नहीं कर सकते। पावर ऑफ लॉजिक इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको बिल्ड किया जाए, गिव देम कंपैरेटिव सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन दी जाए कि जिसमें एक बच्चा एक तरह की सिचुएशन में जो कर रहा है दूसरी सिचुएशन में कैसे एक्ट करेगा उसको एक्सप्रेस करे। टीचर शुड क्रिएट सिचुएशन फॉर मोरालिटी इन द एक्टिविटीज़, और बच्चों में मॉरल ग्रूमिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिसमें बच्चे उस पर रिफ्लेक्शन दें। ठीक है, तो ये अभी ये सारा जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस फिलोसफर्स के हवाले से वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है,